नमस्कार गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न विद परफेक्ट में। गाइज, यूपीटीटी की सीरीज चल रही थी, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, नया टॉपिक है, पिछले दो साल से ही जुड़ा है। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे निर्देशन और परामर्श की, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। पहले इसका नॉर्मली ऐसे सामान्यता जो मीनिंग है वो हम लोग समझ लें। जब हम किसी व्यक्ति को किसी तरीके की सहायता करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि जीवन में कैसे क्या करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो आपको एक सही रास्ता दिखाए, तो वो कहलाता है निर्देशन यानी गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब हो गया सही रास्ता दिखाना, एक किसी व्यक्ति को एक सही मार्गदर्शन देना, ताकि उसके जीवन में समायोजन हो सके, वो आगे बढ़ सके, उसकी प्रोग्रेस हो सके। तो जब किसी की प्रगति करनी है और उसको हम एक सही रास्ता देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीवन में हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर जब हम पर्सनली किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर दवाई पेट दर्द की दे रहा है, तो यानी यहां पर आपकी व्यक्तिगत समस्या है और उस समस्या को लेकर आप किसी व्यक्ति के पास गए हो, तो वो क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। यानी कि आप ऐसे समझिएगा, निर्देशन क्या है, मार्गदर्शन देना, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी की सहायता करना, निर्देशन कहलाता है। जबकि व्यक्तिगत समस्या का समाधान करना, किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्तिगत समस्या का समाधान, जब हम किसी की व्यक्तिगत समस्या का समाधान करते हैं, किसी की पर्सनली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। तो पहले हम लोग चर्चा निर्देशन की करेंगे, फिर हम लोग चर्चा परामर्श की करते हैं। चलिए, निर्देशन का अर्थ, इसकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, महत्वपूर्ण है यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई निर्देशन क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या होंगी। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं निर्देशन की, कि भाई निर्देशन क्या है, इसकी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले परिभाषाओं से शुरू करते हैं। इसकी पहली परिभाषा दी है आर्थर जे जोन्स ने दी है। और आर्थर जे जोन्स क्या कहते हैं, व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव का समायोजन करने समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता सहायता निर्देशन है। पहले सारी परिभाषाएं लिख लेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। एक परिभाषा स्किनर की है। स्किनर क्या कहते हैं, निर्देशन नव युवकों को अपने और दूसरों से तथा परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखना सामंजस्य करना सीखना
निर्देशन कहलाता है। ठीक, अभी चर्चा होगी परिभाषाओं पर। इसके बाद चलिए, दो ही परिभाषाएं हैं, ज्यादा परिभाषा इससे आएंगी नहीं जो हम लोग रटें। दो परिभाषा काफी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब देखिए जोन्स क्या कहते हैं। जोन्स कहते हैं व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यानी अगर कोई व्यक्ति चुनना चाहता है, जैसे आप ही चुनना चाहते हो कि सर हमारा इंटर हो गया है, अब हम बीटीसी करें, ग्रेजुएशन करें, या हम कोई प्रोफेशनल तैयारी करें, या हम कोई बिजनेस करें, और इसमें आपकी कोई सहायता करे, आपको कोई सेमिनार के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा, या आपसे डायरेक्ट मिलकर कोई आपको सहायता करे, आपको बताए कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो वो यहाँ आर्थर जोन्स कहते हैं। याद करने का तरीका, बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द याद रखिएगा कि आर्थर जोन्स की परिभाषा में अगर निर्देशन की परिभाषा है तो कौन सा शब्द आपको यूनिक मिलेगा? बुद्धिमत्तापूर्ण। ठीक, स्किनर की परिभाषा इससे पहले आप दो बार पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में यही परिभाषा, क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था, हालांकि वो पीआरटी की क्लास में था। चलिए, तो स्किनर कहते हैं निर्देशन नवयुवकों को अपने और दूसरों के साथ परिस्थितियों में समायोजन करने का करना सीखना निर्देशन है। देखिए यहाँ नवयुवक लिखा है, कभी कभी यहाँ किशोरावस्था लिख जाता है। ठीक है, तो नवयुवक या किशोर लिख जाता है कि किशोर अपने और दूसरों के प्रति किस तरह समायोजन करते हैं, इसको करना जो है क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। तो चाहे नवयुवक लिखा हो या किशोर लिखा हो, एक ही बात है। तो स्किनर की परिभाषा कहती है कि भाई जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो किस तरीके से एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, कैसे वो एडजस्ट होते हैं, ये क्या कहलाता है? जो है निर्देशन कहलाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम निर्देशन को क्या कह सकते हैं कि निर्देशन क्या होता है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को खासकर नवयुवक को परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखाया जाता है। यानी कि अगर किसी यूथ को, किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को हम परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको अपनी परिस्थितियों के साथ जुड़ना चाहिए, कैसे आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत सामान्य जीवन की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी उस बच्चे के जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसे हम इस प्रक्रिया के अंतर्गत उसका समाधान करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि भाई निर्देशन क्या है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रकार का निर्देशन है, एक गाइडेंस है कि आप ये किताब पढ़ो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाएगा, आप टीटी पास हो जाओगे। तो टीटी पास करने में हम आपकी सहायता कर रहे हैं ताकि आप टीटी पास कर लो, और ये सहायता कैसी? बुद्धिमत्तापूर्ण है, यानी कि पढ़ाई लिखाई और बुद्धि से संबंधित है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निर्देशन कहते हैं। आई होप बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं या हमको कोई भी ऐसी बात बताता है ताकि हमारे जीवन में सुधार आए, हम परिस्थितियों के साथ जुड़ पाएं, हम समायोजन कर सकें, तो उसी को हम निर्देशन कहते हैं। निर्देशन कितने प्रकार का होता है, चलिए इस पर चर्चा कर लें कि भाई कितने प्रकार का निर्देशन होता है। निर्देशन के प्रकार, वैसे नॉर्मली हम लोग निर्देशन के तीन प्रकार पढ़ते हैं। निर्देशन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है।
शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। लेकिन कहीं कहीं इसके दो प्रकार हमें और मिलते हैं कि भाई इसके दो प्रकार और मिलते हैं, सामाजिक निर्देशन और स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस। लेकिन यदि आपसे पूछा कभी जाए कि निर्देशन कितने प्रकार का होता, सिर्फ तीन प्रकार आप बताइएगा। समझने के लिए मैंने कहा कि कहीं कहीं किताबों में दो प्रकार और दिए जाते हैं कि भाई निर्देशन जो है कुल मिला के कुछ किताबों के अनुसार पांच प्रकार का होता है, लेकिन आपको पांच उत्तर नहीं देना है। आपको उत्तर क्या देना है? बिल्कुल, आपको उत्तर देना है तीन प्रकार का होता है। चर्चा करें पहले वाले निर्देशन की, भाई शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। तो शैक्षिक निर्देशन, जैसा कि नाम से पता है ना, इसमें क्या होगा, छात्रों को विषय का चुनाव, परीक्षा की तैयारी, विषय का चुनाव, परीक्षा की तैयारी, कोर्स की जानकारी आदि कराना। भाई अगर आप बच्चों को बता रहे हो कि कैसे इस एग्जाम को पास किया जाए, कैसे इस परीक्षा की तैयारी की जाए, किस प्रकार हमें बेहतर करना है, तो वो क्या कहलाएगा? शैक्षिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है? भाई नाम से पता है, ऑक्यूपेशनल, बच्चे को व्यवसाय के लिए तैयार करना। तो इसमें क्या होगा, बच्चों को व्यवसाय की जानकारी, उसके लिए तैयारी, प्रवेश एवं व्यवसाय के संबंध में अन्य सहायता करना। यानी यदि बच्चे को आप उसके करियर को लेकर कोई हेल्प कर रहे हो, जैसे कि भाई आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैसे कैसे आपको बिजनेस करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस ट्रेंडिंग में है, तो वो सब क्या कहलाएगा? व्यावसायिक निर्देशन। तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, इंडिविजुअल गाइडेंस। में क्या होगा, नवयुवक की कोई व्यक्तिगत समस्या, जैसे समायोजन, संवेगात्मक अस्थिरता, शारीरिक अथवा मानसिक द्वंद से बाहर निकालना, बाहर निकालना। यानी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई उसको दिक्कत हो रही है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, बिल्कुल, ये कहलाता है व्यक्तिगत निर्देशन। तो निर्देशन तीन प्रकार का होता है कि भाई विषय का चुनाव कराने के लिए, परीक्षा की तैयारी कराने के लिए या कोर्स की जानकारी आदि देने के लिए शैक्षिक निर्देशन, बिजनेस के लिए करियर को लेकर अगर कोई हेल्प दे रहे हैं तो व्यावसायिक निर्देशन, और अगर एक एक बच्चे को आप उसकी कोई पर्सनल समस्या को लेकर उसे हेल्प कर रहे हैं तो व्यक्तिगत निर्देशन। दो टाइप यहाँ पर और लिखे, इन पर भी चर्चा हो जाए। सामाजिक निर्देशन, इसमें क्या होगा, नवयुवक को समाज में अनुकूलित करना, उसका समाजीकरण करना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन।
तो यदि बच्चे को हम समाज में अनुकूलन करना सिखाते हैं तो ये सामाजिक निर्देशन है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस। हेल्थ गाइडेंस क्या है, नाम से ही पता है, नवयुवक के स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की सहायता करना। तो ये पांच प्रकार का निर्देशन होता है, दो एक्स्ट्रा है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने कहा आप कितने प्रकार का निर्देशन लिखेंगे, यदि आपसे पूछा जाता है निर्देशन कितने प्रकार का होता है तो निर्देशन जो है वो बिल्कुल दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। आते हैं, तो ये तो चर्चा यहाँ से ख़त्म हो गई, अगली चर्चा है निर्देशन की प्रकार कैसे कितने होते हैं, यानी कैसे निर्देशन करेंगे, विधियाँ निर्देशन की, विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये दो विधियाँ हैं, कौन कौन सी, सामूहिक और एकल। सामूहिक और एकल ये दो विधियां हैं। जब एक बड़े समूह के सभी युवकों को एक साथ निर्देशन दिया जाता है, यानी कि अगर एक पूरे ग्रुप को हम एक साथ गाइड कर रहे हैं तो सामूहिक निर्देशन, जब एक एक नवयुवक को अलग अलग निर्देशन दिया जाए, यानी कि जब एक एक बच्चे को हम समझाते हैं, एक एक बच्चे को अलग अलग करके, पूरी क्लास को एक साथ ना बताकर हम एक एक बच्चे को बताते हैं, तो एकल निर्देशन होता है और ये सामूहिक निर्देशन होता है। तो अगर आपसे विधियां पूछी जाएं तो विधियां दो प्रकार की होती हैं। आते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में कि निर्देशन के सोपान कौन, कैसे निर्देशन दिया जाता, स्टेप कौन से हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, निर्देशन के सोपान, निर्देशन के सोपान कैसे कैसे हम गाइड करते हैं बच्चे को, तो निर्देशन के आठ सोपान होते हैं, नोट कर लें, निर्देशन के आठ सोपान होते हैं। ठीक, आठ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कहा जाता है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है साक्षात्कार। सबसे पहले आप बच्चे के सामने बैठकर आप बात करेंगे, वो साक्षात्कार एक एक बच्चे का भी हो सकता है, पूरी क्लास का, क्योंकि अभी हमने बताया साक्षात्कार की दो विधियां हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत। तो अगर सामूहिक होगा तो पूरी क्लास हमारे सामने बैठी होगी, और एक बच्चे का होगा तो एक बच्चा हमारे सामने होगा। फिर उसके बाद में प्रश्नावली, यानी हमारे पास दूसरे नंबर, पहले हमने बच्चे से बात की, फिर हमने कुछ क्वेश्चन की सीट उसे दी, सीट क्या करेगा, बच्चा जो है उस सीट को फिल करेगा और वो रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। तो तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, संचयी अभिलेख, संचयी अभिलेख, कॉम्युलेटिव डॉक्यूमेंट, यानी बच्चे का सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, चौथे नंबर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी बच्चे का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में पारिवारिक दशाओं का अध्ययन, पारिवारिक दशाओं का अध्ययन, यानी उसकी फैमिली बैकग्राउंड को भी स्टडी करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और उसके बाद प्रोफाइल बनाते हैं उसकी, उसकी क्या बनाते हैं, प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल के आधार पर एक कार्यक्रम बनाते हैं हम, ताकि उस बच्चे को सही तरीके से जो है, उस बच्चे को हम सही तरीके से बता सकें। वो कार्यक्रम और फिर होता है वार्तालाप, बच्चे से बातचीत शुरू करके हम उसकी समस्या को दूर करते हैं। तो ये आठ स्टेप हैं।
कि भाई सबसे पहले बच्चे का साक्षात्कार लेते हैं, प्रश्नावली तैयार करते हैं, फिर उससे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है, फिर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड की स्टडी करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, फिर एक कार्यक्रम तय करते हैं, और कार्यक्रम तय करने के बाद में हम जो है उसको एक सही तरीके से वार्तालाप के द्वारा उसे हम समायोजन करना सिखाते हैं। ठीक, तो अब इसकी क्या आवश्यकता है? तो भारत में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता को सर्वप्रथम कुप्पू स्वामी द्वारा बताया गया। कुप्पू स्वामी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि भाई बहुत जरूरी है निर्देशन, खासकर बच्चे में। ठीक है, और क्यों जरूरी है? तो इन्होंने इसके लिए कुछ तरीके बताए। इससे क्या होगा, व्यक्तिक भिन्नता की जानकारी, बच्चे की व्यक्तिक भिन्नता की जानकारी के लिए हमें निर्देशन देना जरूरी है। शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन, व्यवसाय चुनने में सहायता, समायोजन, बच्चा एडजस्ट हो जाएगा, समाजीकरण, बच्चे का समाजीकरण होता है निर्देशन देने से, मार्गदर्शन, बच्चे को एक सही गाइडलाइन मिलती है, और संवेगात्मक स्थिरता। जो बच्चा डिसबैलेंस्ड होता है इमोशनली, समझ नहीं आता कब गुस्सा करें, कब हम खुश रहें, क्या करें, तो बच्चे के अंदर इस तरीके की जो हैबिट होती है वो भी एक सही गाइडेंस द्वारा दूर की जाती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या अभी पढ़ लिया? अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी तो शुरुआत है इसकी, इसलिए हमने सबसे पहले आपको बताया कि भाई निर्देशन क्या होता है। तो निर्देशन का मतलब फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ तो निर्देशन है। ठीक, तो इसमें क्या है, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, एक माइंड से किया जाने वाला कार्य है जिससे दूसरे को एडजस्टमेंट में सहायता मिलती है, दूसरा चीज़ों को एडजस्ट कर पाता है। स्किनर कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको है, किशोरों को है, नवयुवकों को है। जो नवयुवक होते हैं, किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, उनको जब हम एक सही तरीके से अपने, दूसरों और परिस्थितियों से, यानी बच्चा स्वयं में एडजस्ट हो, दूसरों के साथ एडजस्ट हो और कंडीशन में एडजस्ट हो, इसको लेकर जब हम सिखाते हैं तो क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को, खासकर नवयुवक को, परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य जीवन की समस्याओं का समाधान किया जाता है, जो भी बच्चे के जीवन की समस्याएं होती उसे हम यहां पर दूर करते हैं। इसके कितने प्रकार हैं, तो मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए निर्देशन के प्रकार कितने हैं, तो 1, 2 और 3, तीन प्रकार का निर्देशन होता है। शैक्षिक निर्देशन, जब हम शिक्षा के साथ बच्चे को एडजस्ट करें, व्यावसायिक निर्देशन, जब बिजनेस की चीज़ों को लेकर बच्चे का एडजस्टमेंट किया जाए, और व्यक्तिगत निर्देशन, यदि बच्चे की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको लेकर निर्देशन दिया जाए, तो वो व्यक्तिगत निर्देशन। दो अन्य प्रकार इसके कौन से हैं, सामाजिक निर्देशन का मतलब क्या हुआ कि भाई बच्चे को समाज में रहने लायक बनाना, समाज में एडजस्ट करना उसको सिखाना, तो जब बच्चा समाज में रहने लायक बनता है तो क्या कहलाता है, सामाजिक निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन, जैसा नाम से पता चल रहा है कि भाई बच्चे की हेल्थ के संबंध में, हेल्थ की कोई ज़रूरत उसकी है उसको लेकर उसको गाइड देना सामाजिक हेल्थ है। तो यहाँ पर दो प्रकार की विधियाँ हैं, पूरी कक्षा को एक साथ हम बताते हैं तो सामूहिक, और एक एक बच्चे को, जब एक एक बच्चे से, मैं पूरी कक्षा को यहाँ बता रहा हूँ तो ये सामूहिक निर्देशन है, लेकिन अगर एक एक बच्चे को पढ़ाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, एकल निर्देशन हो जाएगा। चौथे नंबर पर कि भाई इसके स्टेप क्या हैं,
तो निर्देशन के 800 पान है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, संचयी अभिलेख, उसके बाद में मनोवैज्ञानिक परीक्षण, पारिवारिक दशाओं का अध्ययन, प्रोफाइल बनाना, कार्यक्रम तय करना और वार्तालाप करना, और सबसे आखिरी में बात जो आई वो क्या है, भारत में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता को सबसे पहले किसने बताया था, कुप्पू स्वामी ने बताया था, और इन्होंने कहा था इन कारणों से जरूरी है। क्या क्या फायदे इसके हैं कि भाई इससे बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी मिलती कि बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। मान लो एक बच्चा सिंगर बन सकता है, लेकिन कैसे पता चलेगा, जब तक उससे हम बातचीत नहीं करेंगे नहीं जान सकते। शिक्षा के उद्देश्य यानी हमारे उद्देश्य शिक्षा के क्या हैं वो भी बदले जाते हैं जब हम बच्चे का निर्देशन करते हैं। व्यवसाय चुनने में सहायता, समायोजन, बच्चा एडजस्ट हो जाता है, चाहे घर हो, यहाँ पर उसको समस्या हो रही, जब हम गाइड कर देते हैं तो बच्चा एडजस्ट हो जाता है। समाजीकरण, वो एक बेहतर समाज में जीना सीखता है कि भाई समाज के मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, तो ये उसे पता चलती है। मार्गदर्शन, उसे एक सही तरीके का मार्गदर्शन मिलता है। और संवेगात्मक स्थिरता, बच्चा जो डिसबैलेंस्ड है इमोशनली वो बिल्कुल सही तरीके से आ जाता है। इस चर्चा को यही रोकते हैं। अब मैं आगे एक चीज़ आपको बताऊँ यहाँ पर, क्योंकि अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि भाई जो निर्देशन होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला हमने आपको बताया शैक्षिक, दूसरा हमने आपको बताया व्यावसायिक, और तीसरा हमने क्या बताया आपको, व्यक्तिगत। ठीक, तो जो शैक्षिक होता है ये भी हमने आपको बता दिया, इससे कोई मतलब नहीं, यहां व्यक्तिगत से मतलब है। अगर व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे जब एक एक बच्चे की पर्सनल समस्या को लेकर हम समाधान प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। और गाइज इसी व्यक्तिगत निर्देशन को एक और नाम से जाना जाता है, परामर्श। तो हमने निर्देशन पढ़ लिया, अब हम परामर्श पढ़ेंगे। और परामर्श का मतलब क्या हुआ फिर बता रहा हूं। जब हम एक बच्चे की किसी पर्सनल समस्या को, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं सर मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको देखता है, टेस्ट करता है और फिर आपको दवाई देता है। तो हम बाहर लिखा होता है परामर्श शुल्क 100 रुपए, तो ऐसा तो नहीं डॉक्टर एक साथ 20 लोगों को देख रहा है, यानी एक एक व्यक्ति को देख रहा है। तो जब एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता तो क्या कहलाता है, परामर्श। तो हमारा गाइस अगला टॉपिक जो है वो है परामर्श। तो ये क्लास यहीं तक, अगली क्लास है परामर्श की। ओके, थैंक यू।